नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस या निधि कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर वो डिसबर्समेंट करने जाती है तो उनको पांच इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखना चाहिए। क्या यही पांच स्टेप कंप्लीट है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने अलग वीडियो में बताई है, बट लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण जब वसूल करने जाते हैं पैसा उस समय प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोर्ट में जाते हैं उस समय प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको ये पांच इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर करना ही चाहिए। सबसे पहली बात, आपका जो सबसे पहला मीटिंग है, प्रीलिमिनरी मीटिंग, कभी भी आप किसी के पास जा रहे हो, चाहे वो ग्रुप के पास जा रहे हो, चाहे किसी इंडिविजुअल के पास जा रहे हो, आपके पास में एक कोई फॉर्मेट रहना चाहिए जिसमें क्वेश्चनियर, बेसिक क्वेश्चनियर रहने चाहिए और एक रिमार्क्स वाले जगह रहना चाहिए, राइट। अब ये जो बेसिक क्वेश्चनियर है, ये आप लोगों को सामने जब मीटिंग करने जाते हो तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। वो इनकम से रिलेटेड होगा, उनके डेली रूटीन से रिलेटेड होगा कि भाई कितना पैसा महीने में कमाते हो, आप कोई लोन तो नहीं लिए हो, लोन का कितना चुकाते हो, कितना इंस्टॉलमेंट चुकाते हो, कितना इंस्टॉलमेंट बचा है। ये बेसिक क्वेश्चनियर आपका हो सकता है, उनके बारे में हो सकता है, उनके फैमिली लाइबिलिटी के बारे में हो सकता है, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो और वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा ये जरूरी है। उसका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें मार्केट में, क्योंकि आप घूम रहे हो, आपको पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, पहले उनसे जानकारी ले लो। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है लोन रिक्वेस्ट का फॉर्म आपको फिलअप करवाना है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उसने पहले बार में दी थी, जिसको आपको अदरवाइज बाहर जाकर वेरीफाई भी करना है, उसके रेपुटेशन के बारे में वेरीफाई करना है। इतने संतुष्ट होने के बाद आपने उसको फॉर्म प्रोवाइड किया, प्रोवाइड तो सिर्फ नहीं किया, उसको सामने में फिलअप करवाया, उसकी हैंडराइटिंग से जो जो चीजें हो सकती है कस्टमर की वो आपने भरवाई। भरवाने के बाद आप उनसे सिग्नेचर करवाइए, सिग्नेचर करवाने के बाद आप उनसे हो सके तो एक लाइन लिखवाइए कि जितनी भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट बताए गए फॉर्म में और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ये चीज आप एक लाइन उनसे लिखवा सकते हो, उनका सिग्नेचर करा सकते हो और साथ ही साथ में उनको मोबाइल नंबर लिखने के लिए बोल सकते हो, प्लस हो सके तो कोई एड्रेस लिखने अगर बोलते हो उनको, प्रेजेंट एड्रेस या शॉप का एड्रेस तो वो जरूर लिखने आप बोल दीजिएगा। ये दो काम हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कस्टमर से जब भी डिसबर्समेंट करोगे उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मंगवाना है। बोलेगा साहब खाली फोटोकॉपी है, बोलना नहीं हो पाएगा, और ये चीज आप पहले ही बता देना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटोकॉपी भी होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल लेकर आपके ऑफिस में जब आएगा, अच्छा डिसबर्समेंट कहां पर होना चाहिए? ऑफिस में होना चाहिए कि वो जहां पर वो बैठते हैं वहां होना चाहिए? हमेशा 100% ऑफिस में ही डिसबर्समेंट होना चाहिए। और एक और चीज है, सीसीटीवी कैमरा के अंदर में ये सब होना चाहिए जहां पर वॉइस का भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो। तो फिर ओरिजिनल और स्कैन, ये दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो आप डिसबर्समेंट करने वाले वो जो चेक है, वो चेक भी आप उनको जो दे रहे हो वो हैंडओवर करिए सीसीटीवी कैमरा के सामने, चेक की फोटोकॉपी में भी सिग्नेचर करवाइए। सामने वाला जो चेक दे रहा है, दो या तीन चेक उनसे भी लीजिए, उसमें से एक चेक एक रुपए, दस रुपए, सौ रुपए का लेकर उनको बताइए कि ये हम डाल रहे हैं खाते में, हमारे खाते में अगर ये क्लियर हो जाता है तब हमारा ये जो चेक हमने डिसबर्समेंट का दिया ये दो दिन बाद का, ये तब क्लियर होने वाला है, उनका चेक आज के आज ही डाल दो। अब डिसबर्समेंट का प्रोसेस में यहां तक हो गया, ओरिजिनल आ गया, चेक आ गया, चेक की फोटोकॉपी में साइन आ गई, तो फिर कस्टमर क्या है, वापस नहीं जा सकता, कस्टमर पलट नहीं सकता कि भैया मैंने चेक नहीं दिया था, मेरे साथ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सारे ओरिजिनल फोटोकॉपी सब रख लिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसबर्समेंट डे का प्रोसीजर, क्योंकि उस दिन आप क्या करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्सन को भी बुलाइए, उनके परिवार वाले, किसी एक और अर्निंग सदस्य या फिर कोई भी दूसरे सदस्य को बुलाइए जो कि जिम्मेदार हो और इसने बताया कि सर मैं भी कमाता हूं और ये भी कमाता है, या फिर मैं कमाता हूं और मेरे परिवार में दूसरा बड़ा यही है, लेकर आ जाने बोलिए। और इसके अलावा उनको बोलिए गारंटर भी लेकर आए, गारंटर के भी डॉक्यूमेंट हम लोग को लगने वाले हैं। उन लोगों को बैठाने के बाद में जैसा मैंने बोला सीसीटीवी कैमरा के अंदर में उनको बताना पड़ेगा कि सर ये सीसीटीवी कैमरा चालू है और ये सीसीटीवी कैमरा में सारी चीजें रिकॉर्ड होने वाली है, जो मैं बोलने वाला हूं, जो आप बोलने वाले हो। तो आज वापस से शुरू करते हैं। क्या आपने प्रेशर के अंदर में ये लोन लेने का सोचा? बोले नहीं। क्या आपको पता है कि लोन कितने रुपए का आपने मांगा है जो कि कंपनी देने के लिए तैयार है? बोले हाँ साहब इतने रुपए का है। बोले ठीक है, ब्याज कितना है? बोले इतना है। ब्याज के ऊपर इंस्टॉलमेंट हर महीने कितना है? बोले सर इतना है। कितने महीने देना पड़ेगा? इतना। बोले आप बोल दियो यस और नो? बोले हाँ। कितना चेक दियो? बोले साहब तीन चेक दियो। एक चेक कितने रुपए का है? बोले सौ रुपए का। उसको क्या करेंगे हम लोग? बोले उसको डालेंगे सर और वो क्लियर हो जाएगा तब मैं अपना चेक डालूंगा जो कि दो या तीन दिन बाद का है, क्योंकि आज ही मेरा चेक लगेगा ये वेरीफाई करने के लिए कि मेरा सिग्नेचर सही है, यस और नो? बोले हाँ एकदम सही है सर। अब इसके बाद में जब क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी
पुलिस थाने या कहीं पर भी कोई फर्जी कंप्लेंट करने वाले हैं, बोले नहीं। आपसे कब से कब हम लोग पैसा मांग सकते हैं, बोले दिन के अंदर में। अगर आप फोन नहीं उठाए तो क्या होगा, बोले सर आप शाम को भी फोन कर सकते हो। अगर उसके बाद भी किसी तरीके से आप नहीं मिले अपने कमरे पर या फिर जहां पर भी आप रहते हो, उस समय क्या है, बोले सर कोई पता लगाने आएगा तो हमको कोई परेशानी नहीं है। और एक और चीज मैं बता दूं, उनको जो जो कंडीशंस आपने बताई है क्लियर कट, वो सारी चीजों को आप उनको बता दीजिए। और उनको ये भी बता दीजिए कि हम नियमों का पालन करने वाले हैं, आप भी नियमों का पालन करिएगा, क्योंकि ये लीगल सबूत बनने वाला है जो भी हम ये डिसबर्समेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए पोलाइटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिएगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि छूट जाता है सबसे, डिसबर्समेंट का कंप्लीट प्रोसेस का एक चार्ट होना चाहिए। तो डिसबर्समेंट प्रोसीजर चार्ट में सबसे पहला चीज ये डे ऑफ फर्स्ट मीटिंग आ जाए, उसके सामने ये आ जाए कि किसने मीटिंग लिया था, उसका सिग्नेचर आ जाए। उसके बाद में डे ऑफ सेकेंड मीटिंग, फिर उनके सिग्नेचर, डे ऑफ डॉक्यूमेंट कलेक्शन ये आ जाए, और डॉक्यूमेंट कलेक्शन किसने किया ये आ जाए। उसके बाद डिसबर्समेंट डे प्रोसेस आना चाहिए, उसमें चेक कलेक्टेड, ओरिजिनल चेक कलेक्टेड, तीन कॉपी है या नहीं, हाँ है, जो जो चीजें आपने लेनी है वो सारा चीज का चेकलिस्ट उसके अंदर में होना चाहिए। चेकलिस्ट आपने पूरा कर लिया, यस और नो, बोले हाँ चेकलिस्ट पूरा कर लिया, वो सारी चीजें रहेगी किसमें, वो सारी चीजें प्रोसीजर चार्ट के अंदर में रहेगी डिसबर्समेंट डे के। और इसमें सैंक्शन किसने किसने किया वो भी आ जाएगा, और एम्प्लॉई, असिस्टेंट मैनेजर, और जो फाइनली अगर डायरेक्टर भी वहां पर साइन कर सकते हैं तो वो भी आ जाएगा। ये भी लिखा रहेगा सीसीटीवी फुटेज लिया कि नहीं लिया, अगर लिया है तो फिर उसको कहां पर रखा हुआ, फाइल कहां पर है, ये भी उसमें रहेगा। और ये पूरी कंप्लीट प्रिंट या चार्ट अगर पहले से प्री प्रिंटेड है तो उसमें सबके सिग्नेचर होके उसका स्कैन होके उसको अलग से भी रखना पड़ेगा, और जो डिसबर्समेंट किए उस फाइल के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में ये भी पूरा प्रोसेस का जो चार्ट है वहां पर लगना चाहिए। ये चीज अगर आप फॉलो करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका डिसबर्समेंट प्रोसेस जबरदस्त होने वाला है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।